दोस्तों स्वागत है आप सबका एक बार फिर हमारे YouTube चैनल में। बात करने वाले इस वीडियो में शिक्षा विभाग के समाचार अपडेट्स की जानकारी की। चैनल पर पहली बार है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, आगे भी अपडेट्स मिलते रहेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे ट्रांसफ़र को लेकर अपडेट्स की जो है हमारे पास, वो है फर्स्ट और सेकेंड ग्रेड के ट्रांसफ़र के बाद अब थर्ड ग्रेड शिक्षकों को ट्रांसफ़र का इंतजार है। काफ़ी वक्त गुजर चुका है, लंबे समय से थर्ड ग्रेड शिक्षक साथी इंतजार में हैं। वहीं दूर तक नहीं दिख रहे थर्ड ग्रेड शिक्षक के ट्रांसफ़र, क्योंकि अभी तक कोई तबादला नीति नहीं आई, कोई आदेश नहीं, कोई पॉलिसी नहीं आ रही है, अभी तक कोई तारीख भी नहीं आई है सामने। कुछ दिन पहले शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने ट्रांसफ़र पर जो बात कही थी वो थी कि थर्ड ग्रेड तबादलों को लेकर विभाग की ओर से गाइडलाइन पर हो रहा है काम, लेकिन अभी तक गाइडलाइन भी नहीं आई है। कह सकते हैं कि गाइडलाइन कब आएगी इसके ऊपर भी कोई अपडेट नहीं है। जल्दी गाइडलाइन के साथ शिक्षकों को दी जाएगी राहत, ऐसा कहा जा रहा है कि गाइडलाइन के बाद ही ट्रांसफ़र किए जाएंगे। अब अपडेट ये है कि ट्रांसफ़र को लेकर थर्ड ग्रेड शिक्षक लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं, 85,000 आवेदन भी आ चुके हैं, और ऐसे में शिक्षा मंत्री केवल गाइडलाइन के ऊपर बात कर रहे हैं, लेकिन गाइडलाइन कब तैयार होगी इसकी भी कोई अपडेट नहीं है। और इसके साथ ही आपको बता दें 30 सितंबर अंतिम तिथि थी, और अंतिम तिथि तक शिक्षा विभाग में कई तबादले किए गए। प्रधानाचार्य है, HM हैं, कनिष्ठ सहायक है, लाइब्रेरियन हैं, सभी अधिकारी कर्मचारियों के तबादले किए गए, लेकिन थर्ड ग्रेड शिक्षकों के तबादले नहीं किए गए हैं, जिससे शिक्षकों में काफ़ी रोष भी है। तो केवल एक ही बात कही जा रही है कि गाइडलाइन के बाद ही शिक्षकों को तबादलों में राहत दी जाएगी, लेकिन अब अक्टूबर लग चुका है और अक्टूबर में दीपावली की काफ़ी छुट्टियां भी है। ऐसे में अब कहें तो दीपावली के बाद ही तबादले हो सकते हैं। देखा जाए तो कोई गाइडलाइन के ऊपर भी अपडेट नहीं आया है, ना ही कोई विभिन्न प्रकार के आदेश स्थानांतरण को लेकर, थर्ड ग्रेड को लेकर जो अपडेट मिल रहे हैं। ऐसे में शिक्षक साथियों के लिए काफ़ी परेशानी भरा है कि थर्ड ग्रेड शिक्षक साथियों को जो लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं, अपने इच्छित गृह जिले में जाना चाहते हैं, लेकिन शिक्षा विभाग की उदासीनता के चलते जो है उनके जो सपने पूरे होते नज़र नहीं आ रहे हैं। अक्टूबर का महीना चल रहा है और अक्टूबर में भी लगता है कि अक्टूबर दीपावली की छुट्टियाँ आएगी और दीपावली के बाद ही तबादले हो सकते हैं। फिलहाल कोई गाइडलाइन को लेकर भी अपडेट नहीं आ रहा है। आपको बता दें कि थर्ड ग्रेड शिक्षकों के तबादले अभी तक नहीं किए गए हैं। वहीं दूसरी ओर विभिन्न शिक्षा विभाग में तबादले किए गए हैं। प्रधानाचार्य है, प्रधानाध्यापक है, वरिष्ठ अध्यापकों के तबादले किए गए हैं। आवेदन के बाद भी 33 शिक्षकों को मौका नहीं दिया गया है, तो काफ़ी अफसोस की बात है कि शिक्षा विभाग द्वारा ये उदासीनता चल रही है शिक्षकों के साथ, थर्ड ग्रेड शिक्षकों के साथ अन्याय हो रहा है। उन्हें समय पर जो है स्थानांतरण देना चाहिए, उचित स्थान पर लगाना चाहिए। ये हमारी भी मांग है कि जल्द से जल्द लिस्टें जारी की जानी चाहिए, नहीं तो सभी को मिलकर एक बड़ा आंदोलन करना होगा कि जल्द से जल्द लिस्टें जारी की जाए। इसके साथ ही आपको दिखा देते हैं अपडेट रीट परीक्षा को लेकर, कि रीट परीक्षा को लेकर मुख्यमंत्री गहलोत का कहना है कि जिन लोगों को पता है कि पास नहीं हो रहे, ऐसे लोग भड़काने का काम कर रहे हैं। अगर भर्तियाँ अटकाएंगे तो फिर कैसे नौकरी मिलेगी, क्योंकि SOG जो है जांच कर रही है। अगर SOG को कोई सबूत देता है तो किसी को नहीं बख्शा जाएगा। अगर किसी सेंटर पर पेपर आउट हुआ है तो हम उन सेंटर पर फिर परीक्षा भी करा देंगे, लेकिन लाखों बच्चों का भविष्य अधर में नहीं डाल सकते, ये कहना है CM गहलोत का। फिर से परीक्षा करने से उन्होंने इनकार किया है कि रीट की परीक्षा दोबारा नहीं हो सकती है, इसको लेकर उन्होंने अपडेट दिया है। इसके साथ ही शिक्षा विभाग से ही खबर बता दें आपको, शिक्षा से कि कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूट योजना के लिए आवेदन आप 20 अक्टूबर तक कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन खुल चुके हैं, अल्पसंख्यक मामला विभाग द्वारा भी है, ht.rajasthan.gov.in पर आप आवेदन कर सकती है। वर्ष 2020 में राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से 12वीं न्यूनतम 65% होने चाहिए और केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में 12वीं 75% अंक प्राप्त करने वाली छात्राएँ आवेदन कर सकती है। इसके साथ ही स्नातक डिग्री के प्रवेश में 12वीं कक्षा उत्तीर्ण के एक वर्ष से जो है एक वर्ष का अंतराल होने पर योजना का लाभ देय नहीं होगा। साथ ही परिवार की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपये होनी चाहिए, आय प्रमाण पत्र 6 माह पुराना न हो, राजकीय और निजी विद्यालय में नियमित छात्रा के रूप में कक्षा 12वीं उत्तीर्ण करने का प्रमाण पत्र है, महाविद्यालय में अध्ययनरत प्रमाण पत्र है, उच्च शिक्षण है, प्रशिक्षण संस्था में जो अध्ययनरत होने का संस्था प्रदान जारी प्रमाण पत्र है, ये कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट्स हैं, दिव्यांग है तो उसका मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी प्रमाण पत्र है, मूल निवास है, अल्पसंख्यक प्रमाण पत्र है, आधार कार्ड, जन आधार कार्ड, BPL है तो BPL की कार्ड की स्वप्रमाणी प्रति है, ये सब लगाने हैं। और वित्तीय वर्ष 2020-21 1 अप्रैल 2020 से प्रभावी होगी। पात्रता रखने वाली अल्पसंख्यक समुदाय की छात्राओं का अंतिम तिथि 20 अक्टूबर तक है, तो इसमें सभी वर्ग की छात्राएं भी आवेदन कर सकती है, क्योंकि सभी के लिए इसमें खोल दिया गया था। कालीबाई भील मेधावी छात्राएं EWS है, SC वर्ग की है, और भी उच्च शिक्षा विभाग की सभी वर्ग की छात्राएं आवेदन कर सकती है। इसके साथ ही बात करेंगे डाक विभाग की एक योजना की, जिसमें अब डाक विभाग ने बेटियों की तरफ बेटों के लिए भी शुरू की है अभियान, जिसमें 15 वर्ष से सार्वजनिक भविष्य निधि खाता खोल सकते हैं आप अपने बेटे का। तो डाक विभाग ने जब बेटियों की तरह जो सुकन्या समृद्धि योजना थी उसी की तरह
अब बेटों के लिए योजना शुरू की गई। इसके तहत 15 वर्ष तक योजना में रुपए जमा कर सकते हैं। हर महीने 500 रुपए जमा करने पर 15 साल के बच्चे को 1.57 लाख रुपए मिलेंगे। डाक विभाग द्वारा बेटियों के लिए सुकन्या समृद्धि योजना शुरू की गई थी। इसमें जमा राशि के आधार पर कन्या के 18 वर्ष पूर्ण होने पर एक मुश्त रुपए मिलते हैं। इसी तरह से अभिभावक ये रुपए बेटी की शादी, उसकी पढ़ाई पर खर्च कर सकते हैं। वहीं अब बेटों के लिए ऐसी कोई योजना नहीं थी, तब डाक विभाग द्वारा बेटों के लिए भी एक योजना शुरू की गई है। तो बड़े होने पर उनकी पढ़ाई, रोजगार के लिए कोई भी अभिभावक अगर ऋण लेता है यानी लोन लेता है, तो इसमें देखते हुए डाक विभाग ने अब बेटों के लिए भी 15 वर्षीय जमा के बाद ये स्कीम निकाली। हर महीने 500 रुपये जमा करने पर 15 साल के बाद 1.57 लाख रुपये मिलते हैं। तो अच्छी योजना है ये। इसमें सार्वजनिक भविष्य निधि खाता शुरू की जाएगी, जिसमें नवजात से लेकर 18 वर्ष तक के पुत्र का कोई भी अभिभावक खाता खुलवा सकता है। खाता खुलवाने के लिए बच्चे के माता पिता का आधार कार्ड और बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र देना होगा। और इस योजना में साल में 500 रुपये से 1.50 लाख रुपये तक जमा करा सकते हैं। और साथ ही 500 रुपये मासिक जमा कराने पर 15 साल में 90,000 रुपये जमा होंगे, जबकि बेटे को 1,57,785 रुपये मिलेंगे। वहीं 5,000 मासिक रुपये अगर आप जमा कराते हैं तो 9 लाख रुपये जमा होंगे और 15 साल के बाद 15,77,841 रुपये मिलेंगे। यह राशि बच्चे के बालिग होने पर मिलेगी, इसलिए 15 साल के बाद 5 साल तक योजना को बढ़ाया जा सकता है। इस पर 7.1% की दर से ब्याज भी मिलेगा। तो ये तमाम तरह के आप सभी के लिए अपडेट थे आज के इस वीडियो में। थैंक यू, मिलेंगे अगले एक और एजुकेशन रिलेटेड वीडियो में। तब तक बने रहिए हमारे साथ, आगे भी और अपडेट्स मिलते रहेंगे।